भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और 6 बार सांसद रहे बीजेपी के चर्चित नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी को फिर से मौका देने के सवाल पर कहा कि बीजेपी अब उन्हें कभी मौका नहीं देगी। सिंह ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते, जिनको देखना है उनको देखने दीजिए। आपको बता दें कि महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोप लगने के बाद कुश्ती संघ की कुर्सी गंवा चुके कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुकदमे का सामना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट कर उनके बेटे करण भूषण सिंह को लड़ा दिया था। करण भूषण सिंह ने समाजवादी पार्टी के राम भगत मिश्रा को लगभग 1.5 लाख वोट के अंतर से हरा कर अपने पिता की सीट पर बीजेपी का कब्जा कायम रखा। बृजभूषण के एक और बेटे प्रतीक भूषण सिंह गौड़ा गोंडा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। सोमवार को परसपुर में समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश सिंह के परिजनों से मिलने के बाद पूर्व सांसद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों के साथ नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि ओम प्रकाश सिंह की हत्या के मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की है, क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, परिवार में छोटे बच्चे हैं। सिंह ने बुलडोजर के सवाल पर कहा कि ग्राम समाज या चक्रोड पर बना हो तो चल सकता है, लेकिन गिराने का एक प्रोसीजर भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।